बिहार के मुजफ्फरपुर में AES से बच्चों की जो मौत हो रही है उस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सुनील कुमार शाही जी। शाही जी, मामला तो बहुत गंभीर है, काफ़ी दिनों से आप भी लगे हुए हैं, ये कोशिश की जा रही है कि कारण भी पता लगाया जाए, बच्चों को भी बचाया जाए, क्या अपडेट है अभी? स्थिति तो गंभीर है। इस अस्पताल में अभी तक 95 बच्चों को हम लोगों ने खोया है। हम लोग एक चीज़, हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है, ये बीमारी जिस कारण से भी हो, लेकिन अगर बच्चे इस अस्पताल में या किसी अस्पताल में 1.5 से 2 घंटे के अंदर में जो बीमारी शुरू होता है आ जाते हैं, तो उनको हम बचा पा रहे हैं। इसका कारण हम लोगों ने एक देखा है, जो एक फाइंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन में आता है वो हाइपोग्लाइसीमिया आ रहा है। कहीं पर अगर PSC पर है, यहाँ पर ब्लड शुगर होते ही उसको ग्लूकोज दे दिया जाता है बोलस में, वो बच्चे जल्द से जल्द रिकवर कर रहे हैं। कारणों का खोज हो रहा है, खोज चल रहा है, कारण खोज होते रहे, हम बच्चों का इलाज कर रहे हैं। एक क्योंकि मल न्यूरिशमेंट भी कहा जा रहा है, और अधिकतर बच्चे क्योंकि सरकारी अस्पताल है तो गरीब बैकग्राउंड के ही है, तो उनकी गर्मी लगना या फिर मौसम का जो बहुत गर्म मौसम है, साथ में कुछ बातें कही जा रही कि लीची का भी बुरा असर है, इन तीनों पर एक रोशनी डालिए। ये बच्चे तो गरीब परवरिश के हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, जो उसी स्तर से आते हैं बच्चे। एक चीज़ जो आपने कहा, जो इतनी गर्मी ह्यूमिडिटी इस जगह पे बहुत ज़्यादा है, अभी 60-70-80 ह्यूमिडिटी रह रही है, इसमें बच्चे को पसीना चलता है, बच्चे धूप में निकलते हैं ना, वो दिन में पानी पी पाते हैं ना खाना खा पाते हैं, तो इस परिस्थिति में उसको दिक्कत होती है। और हम लोगों ने देखा है जो रात का खाना बिना खाए सो जाते हैं, 4 बजे खाना खाए, 5 बजे खाए और सो गए, रात में वो खाना नहीं खा रहे हैं। और ये सारा सिम्टम जो सुबह में होता है, कन्वल्सन जिसको हम चमकी यहाँ के भाषा में बोलते हैं, बुखार और बेहोशी, इसी से वो शुरू हो रहा है। तो ये लक्षण हाइपोग्लाइसीमिया के हम लोग को मिलते हैं। इसको अपने स्तर से, सरकार के स्तर से और सभी NGOs को मेरा ये अनुरोध रहा है कि गांव-गांव में ये प्रचार हो, जो बच्चों को धूप में नहीं निकलने दें, पानी पिलाएं, नहलाएं, शाम सुबह का खाना जरूर खिलाएं उसको, रात के सोने के समय एक बार खाना जरूर खिला दें उसको। तो ये जो भ्रांति है क्या लीची वाली बात, या इसमें कुछ सच्चाई है? लीची पिछले साल भी कोई केसेस नहीं हुए थे इस तरह से, लीची पिछले साल भी थी। एक घर से एक बच्चे को अगर हो जाता है तो दूसरे बच्चे भी तो लीची खाए रहते हैं, उनको क्यों नहीं होता? इसीलिए ये एक भ्रांति है, लोग इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च चले, लेकिन लीची एक कौज है ये नहीं। सर, एक सवाल जो आम आदमी पूछता है, आप देश में कहीं चले जाइए, मुजफ्फरपुर का नाम आते ही कि जब एक जो जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ उसी भाषा में, कि जब चंद्रयान पे विमान जा सकता है, कोई रॉकेट जा सकता है, तो इन सबसे बीमारियों का इलाज खोजा क्यों नहीं जा सकता, कारण क्या है? इलाज खोजा जा रहा है, पिछली बार भी हुआ था तो NIV पूना, कलकत्ता, अंटलांटा, सब जगह से अटलांटा भी भेजी गई थी सैंपल्स पिछले 14 में, हर जगह सैंपल्स तो जा रहा है। वायरोलॉजी का कुछ पता नहीं चल रहा है, जो कौन सा वायरस कौन सा बैक्टीरिया हो, ये सतत चलना चाहिए। ये जैसा कि कहा जाता है कि ना ये बैक्टीरिया है ना ये वायरस है, तो सिंड्रोम है, इस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे आप? सिंड्रोम तो डॉक्टरी भाषा में इसलिए बोला जाता है जो कोई एक पॉजिटिव नहीं है, तो ये 5-6-10 बीमारी ऐसे हैं जिसमें इस तरह के लक्षण हम लोगों को मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक सिंड्रोम करके रखा है। और इन सारे बीमारियों में जिसमें कि दिमागी सूजन होता है, तो इलाज यही होता है जो हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं, इलाज हम लोग यही करते हैं। अगर पता चल जाता है किसी में जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज है तो उसका इलाज हो जाता है, जैसे JE का है, JE भी एक सिंड्रोम में इसमें आता है, उसका इलाज है, उसका वैक्सीनेशन है, वो ठीक होते हैं बच्चे। लेकिन इसमें अभी पता नहीं चल पाया है जो किस कारण से, ये सोशियो इकोनॉमिक है कि किस चीज़ से है। तो क्या ये मुजफ्फरपुर का जो इंसिडेंट है, ये जो वायरस है, ये पूरी दुनिया में इसका कोई पैरेलल एग्जांपल नहीं मिला, ऐसा कोई वायरस कहीं और हो? नहीं, इस तरह का हमको नहीं लगता जो कहीं सिम्टम इस गर्मी में इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड में आता है, आता इसी जगह पर, इसलिए रिसर्च यहीं पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। हर मौसम में बच्चों का टेस्ट होते रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में लाना चाहिए जो अभी क्या स्थिति है, उस समय क्या स्थिति है। गर्मी में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, लेकिन बच्चों के जाड़े में भी तो ब्लड शुगर हो, ये एक रिसर्च चले प्रोजेक्ट जो उनके ब्लड शुगर का क्या स्थिति रहता है उन समय में। सर, यहाँ हर्षवर्धन जी भी आए जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार भी आ गए, तो क्या आप डिप्लॉयमेंट चाहे डॉक्टर का हो, टीम का हो, दवाओं का क्या बढ़ा दिया गया है? दवाएँ तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, इंस्ट्रक्शन भी है डिपार्टमेंट का,
जो कोई दवाइयाँ अगर कम होती हैं तो लोकल मार्केट ही क्यों नहीं आप उसको रखें। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात है, टीम्स आई है, एम्स दिल्ली से भी टीम्स है, पटना एम्स की टीम यहीं स्टेशन किए हुए हैं पूरे 5-6 आदमी के साथ। हर मेडिकल कॉलेजेस से अब तक 9 SR की पोस्टिंग हो चुकी है यहाँ पे। अभी शाम तक, अब तो शाम हो चुका है, रात तक आ जाना चाहिए दिल्ली से 5 टीम जो कि डिफरेंट हॉस्पिटल से हैं, उसमें एक पेडियाट्रिशियन जो फैकल्टी जिनको हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एक SR और एक टेक्नीशियन, ये 5 टीम अलग अलग हैं, 15 आदमियों की टीम आज रात तक यहाँ आ जानी चाहिए। सर अब आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि प्रोएक्टिव अप्रोच इस बार नहीं रही, कुछ लापरवाही हुई, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? प्रोएक्टिव अप्रोच हो सकता है कुछ कमी रहा हो, अप्रोच जरूर रहा है क्योंकि ORS के घोल बंटवाए गए हैं, आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है, लेकिन हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत नहीं लग रहा है जो नहीं रहा हो, ये कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए प्रचार प्रसार। सर मुजफ्फरपुर में इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, तो क्या अब आपको लगता है कि अगले साल के लिए आप लोग की तैयारी बहुत पहले से होगी, बहुत पुख्ता होगी? निश्चित, हर्षवर्धन साहब ने भी स्वास्थ्य विभाग से ये वादा लिया है साहब, मार्च के पहले जो ये 100-bedded PICU है वो निश्चित तैयार हमको मिलना चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह वहाँ के होंगे सेंट्रल के, डॉक्टर्स वगैरह यहाँ से हो जाने चाहिए, हमको तैयार मिलना चाहिए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो इंसेफ्लाइटिस के जो मामले हैं वो गंभीर चिंता का विषय मुजफ्फरपुर में बने हुए हैं, लेकिन अब उम्मीद यही की जा रही है कि इन पर रोक लगे। मौसम का भी इंतजार है कि मौसम में कुछ बारिश होगी, कुछ मौसम ठीक होगा तो ये मौतें रुक सकती हैं, लेकिन जो बड़ी बात है कि प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की बात अब पहली बार कही गई है कि अब अगली बार के लिए जो तैयारी है वो और बहतर की जाए। मुजफ्फरपुर से अमरेंद्र के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा TV।